फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिव रंजीता शर्मा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और बताइए मुझे, आप अभी क्वारंटाइन में क्या क्या कर रहे हैं? मुझे मालूम है सभी घर में स्ट्रेस है कोरोना को लेकर, बट स्ट्रेस लेने से कुछ नहीं होगा, बस सावधानी बरतनी चाहिए। अपने घर में ही रहिए, स्वस्थ रहिए। अभी बचे हैं दोपहर के 1:15 हो चुका है, 12:45 हो चुके हैं और मैंने सब्जी बना दी है। सब्जी बनने के लिए रख दी है, मतलब अभी बनी नहीं है, और मैंने आटा भी गूंद के रख दिया है। अब जैसे सब्जी बन जाएगी तभी मैं रोटी वगैरह बनाना शुरू करूँगी। सुबह एक्चुअली चाय के साथ कुछ ना कुछ हल्का फुल्का नाश्ता कर लेते हैं, तो अभी किसी को भूख नहीं लगी है। तो अभी जैसे ही थोड़ी देर बाद जब सब्जी बन जाएगी मैं रोटियाँ बनाना स्टार्ट करूँगी। हर्षो और याशिका दोनों नहाने गई हुई हैं, क्योंकि क्वारंटाइन में स्कूल जाना नहीं है, कुछ नहीं करना, तो आराम से नहाना धोना अपना होता है बच्चों का। और अभी मैं थोड़ा सा काम जो मेरा पेंडिंग है, जैसे कि मेरे प्रेस के कपड़े पड़े हुए हैं उनको मैं प्रेस करूँगी। ये देखिए, प्रेस के कपड़े फैले हुए पड़े हैं, अभी इनको मैं थोड़ी देर में प्रेस करूँगी। उसके बाद मैं सोच रही हूँ कि खाना बनाऊँ, पहले ये प्रेस का काम ख़त्म कर दूँ। शुरू से ही मैं प्रेस के कपड़े खुद ही प्रेस करती हूँ, मैं बाहर नहीं देती हूँ किसी को भी प्रेस करने के लिए कपड़े। ऐसा नहीं है कि अभी क्वारंटाइन चल रहा है तो मैं अभी प्रेस करने लगी हूँ, मैं पहले से ही खुद ही प्रेस करती हुई आ रही हूँ। एक तो ये होता है कि मुझे प्रेस करनी आती है, और जब टाइम होता ही है, घर में ही तो रहते हैं सारा दिन, तो टाइम होता है तो खुद ही प्रेस कर लेते हैं। एक तो अपना काम खुद ही करना अच्छी बात है, और दूसरा पैसे की बचत हो जाती है। तो मेरे हिसाब से तो ये अच्छी बात है कि अगर हमें काम आता है तो हमें खुद ही कर लेना चाहिए, दूसरों पर डिपेंड नहीं होना चाहिए। पैंट की जो प्रेस करना होता है वो बहुत ही आसान लगती है मुझे, लेकिन शर्ट की थोड़ी सी डिफ़िकल्ट लगती है। शर्ट में डिफ़िकल्ट इतना भी नहीं होता, लेकिन बस टाइम लगता है उसमें शर्ट में, क्योंकि उसमें अलग अलग तरह उसकी स्लीव्स की अलग वो तय लगानी होती है। पैंट जो मैं प्रेस करती हूँ जल्दी से प्रेस हो जाती है, और शर्ट में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो अभी मैं जो कपड़े रखे हुए हैं सारे मैं प्रेस कर लूँगी, उसके बाद मैं खाना बनाना स्टार्ट करूँगी जब तक सब्जी भी बन जाएगी, और बच्चे भी नहाने गए हुए हैं नहा लेंगे जब तक।
अभी प्रेस भी कर ली है, प्रेस के कपड़े कर चुकी हूँ प्रेस। अब चलते हैं किचन में, सब्जी भी बन चुकी है ऑलमोस्ट। थोड़ी सी 5 मिनट और लगेंगे, सब्जी बन जाएगी। मैं रोटी बनाना स्टार्ट करती हूँ और लंच की तैयारी अपना ख़त्म करती हूँ और लंच करते हैं। आप भी आ जाइए फ्रेंड्स, आप भी लंच कर लीजिए। ये है फ्रेंड्स चिली पोटैटो। मैंने रात में चिली पोटैटो बनाए थे, दिन में मैंने सब्जी रोटी बनाई थी जैसा कि अभी आपने देखा, और रात में मैंने चिली पोटैटो बनाए थे। तो आप भी कर लीजिए, आ जाइए डिनर फ्रेंड्स। चिली पोटैटो की रेसिपी भी मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, तो इसलिए मैंने आज रेसिपी शेयर नहीं की है। तो फ्रेंड्स अभी हमने डिनर कर लिया है, जैसा कि आपने देखा मैंने चिली पोटैटो बनाया था, और अभी 9:15 हो चुके हैं और हम देख रहे हैं रामायण। सभी सभी तो नहीं, एक्चुअली हस्बैंड वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो भी उनका काम ख़त्म नहीं हुआ है ऑफिस का, तो भी अपना काम करने में लगे हुए हैं। और आप सब बताइए, आपका क्वारंटाइन पीरियड कैसा चल रहा है? गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अभी बज चुके हैं सुबह के 11:30, और मैंने कल ब्लॉग एंड नहीं किया था, तो इसलिए मैं आज कंटिन्यू कर रही हूँ उसी ब्लॉग को। तो देखते रहिए मेरा ब्लॉग। हमने अभी कंबल अंदर नहीं रखे हैं क्योंकि सुबह के टाइम पे थोड़ी ठंड होती है, इसलिए अभी कंबल अंदर नहीं रखे हैं, ना ही बेडशीट निकाली है मैंने। जैसे ही मौसम थोड़ा सा और ठीक होगा, इस बार पता नहीं क्या हुआ है कि अप्रैल का महीना स्टार्ट हो गया है और अभी भी सुबह के टाइम ठंड लगती है, तो मैंने अभी कंबल नहीं रखे हैं। अभी एक दो दिन बाद सोच रही हूँ कि धूप लगाकर कंबल रखूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, अभी मैं टेरेस पर आई हुई हूँ। आपको ये टमाटर का पेड़ दिखाना था, छोटा सा प्लांट है, पेड़ तो नहीं है, छोटा सा पौधा है ये। बहुत छोटी सी बोतल में मैंने, वेस्ट बोतल थी दवाई की, उसमें मैंने लगाया था। उस पर 3 टमाटर लगे हुए हैं, ये देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं। तो फ्रेंड्स अभी आ गई हूँ मैं किचन में, लंच में मैं बना रही हूँ इडली सांभर। तो मैंने उसी की तैयारी कर ली है। मैंने कड़ी पत्ता ले लिया है, लाल मिर्च ले ली है सूखी, और मैंने राई ले ली है, और मैंने कुकर में सरसों का तेल डाल दिया है। अब इसमें तेल भी गर्म अच्छे से हो चुका है, मैं तीनों चीज़ें इसमें ऐड कर दूंगी। जैसे ही थोड़े से ब्राउन होंगी ये चीज़ें, मैं उसमें प्याज ऐड करूंगी। जलने नहीं देना है आपको इन मसालों को, ये बहुत जल्दी जल जाते हैं, इसलिए धीमी आँच पर पकाएं। उसके बाद मैंने प्याज ऐड कर दी है, इसको अच्छे से भून लूंगी। प्याज को ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, गोल्डन ब्राउन करना है, हल्का हल्का ब्राउन करेंगे प्याज को, चलाते रहेंगे ताकि ये जल ना जाए प्याज। और धीमी आंच पर हमेशा मसाला तैयार करें आप। इसके बाद मैं ऐड कर दूंगी इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट, जो कि मैंने बारीक पीस लिया था। अब इसको आप अच्छे से भून लेंगे, हल्का सा ब्राउन हो जाएगा, लाइट ब्राउन, गोल्डन ब्राउन कलर का हो जाएगा, तभी मैं इसमें मसाले ऐड कर दूंगी। देखिए प्याज का कलर चेंज होने लगा है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी मसाले। इसमें मैंने डाली है हल्दी और गरम मसाला, इनको मैं अच्छे से भून लूंगी, धीमी आंच पर ही भूनूंगी इन्हें भी। मसाले भुन जाएंगे अच्छे से जब मैं इसमें टमाटर ऐड कर दूंगी। टमाटर और हरी मिर्च मैंने काट ली हैं बारीक बारीक, जैसा कि आपको पता है हम लाल मिर्च कम खाते हैं, तो मैंने अब इसमें हरी मिर्च टमाटर के साथ ही काट ली हैं।
अब मैंने टमाटर ऐड कर दिए हैं, इनको अच्छे से मैं भून लूँगी। तो टमाटर अच्छे से भुन जाएंगे, फिर मैं इसमें ऐड करूँगी नमक। नमक आप स्वाद अनुसार जितना नमक खाते हैं उस हिसाब से इसमें ऐड करें। अभी मसाला अच्छे से भुन जाएगा सब पूरा, तो तब मैं इसमें ऐड कर दूंगी सब्जियां जो मैं ऐड सांभर बनाने के लिए यूज़ कर रही हूँ। ज़्यादा सब्जियाँ तो नहीं, मैं एक घिया ही यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि अब और कोई सब्जी नहीं थी। अब सब्जियों का थोड़ा सा शॉर्टेज चल रही है, तो मैंने घिया ही ऐड किया है। और इसमें मैंने ऐड कर दी है अरहर की दाल, मैंने आधा घंटा पहले भिगो के रख दी थी, तो अरहर की दाल और घिया ही ऐड किया है मैंने, और कोई सब्जी नहीं ऐड की है। अब मैं इस दाल को भी थोड़ा सा 5 मिनट के लिए भून लूँगी इसको मसाले के साथ। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगी तब मैं इसमें ऐड करूँगी पानी पानी, क्योंकि सांभर तो पतला ही अच्छा लगता है, तो उसी हिसाब से मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। ये देखिए मसाले के साथ मिक्स हो गई है सब्जी और दाल, तो अब मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है। इसके बाद मैं इसमें कुकर ढक्कन लगाकर इसमें कम से कम 2 व्हिसल तेज आंच पर और 2 धीमी आंच पर करके मैंने पका लिया है इसको। ये देखिए पकने के बाद ये ऐसा हो चुका है, सब्जी गल चुकी है, घिया गल चुका है और दाल भी बन चुकी है। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ इमली का पानी। इमली मैंने गर्म पानी में भिगो दी थी, उसको छान कर मैंने इसमें इमली का पानी ऐड कर दिया। जब दाल बन जाएगी हमारी तभी आप इमली का पानी ऐड करें। और मैंने इसमें ऐड कर दिया है सांभर मसाला, रेडीमेड सांभर मसाला ऐड किया है मैंने इसमें। आप चाहें तो घर में भी बना सकते हैं सांभर मसाला, पर मैं बाहर का बाज़ार का ही सांभर मसाला ऐड करती हूँ। अब मैं इसको 10 मिनट तक थोड़ा सा और धीमी आंच पर पकाऊंगी, क्योंकि मैंने ये बाद में ऐड की हैं चीज़ें, इमली का पानी और मसाला, इसलिए इसको भी अच्छे से बॉईल होने दूंगी ये दोबारा से दाल को। जब 10 मिनट तक इसे अच्छे से बॉईल हो जाएगी तो सांभर बन गया है। ये देखिए आप देख सकते हैं सांभर कितना अच्छा बना है, और साथ में मैंने इडली बना ली है। इडली की रेसिपी मैं बाद में शेयर करूँगी आपके साथ। फ्रेंड्स मैंने रात को बनाया है मेदू वड़ा। मेदू वड़ा जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने उड़द की दाल है, ये उड़द की दाल धुली उड़द की दाल है, मैंने ये 8 से 10 घंटे पहले भिगो दी थी। कम से कम इसको ओवरनाइट भिगोना होता है, तो उसके बाद भिगोने के बाद मैं इसको पीस लूँगी मिक्सी में। पीसने के बाद ये देखिए फ्रेंड, ये पीस ली है मैंने मिक्सी में। इस तरह से पेस्ट बनाना है, ज़्यादा पतला नहीं करना है आपको, इसको थिक पेस्ट बनाना है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और उसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ कड़ी पत्ता, ग्रीन कड़ी पत्ता। उसके बाद मैंने अदरक ऐड किया है, और मैं इसमें ऐड करूँगी हरी मिर्च। नमक और थोड़ी सी काली मिर्च। इन चीज़ों को मिक्स करके अब मैं इसमें ऐड करूंगी राइस फ्लावर, चावल का आटा। अब इनको अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये वड़ा का बैटर तैयार हो गया है, अब बनाएंगे वड़ा। ये देखिए बैटर, पहले हम हाथ को गीला कर लेंगे ताकि ये चिपके नहीं हाथ पर, और एक दूसरे हाथ पर इस तरह से पलट कर फिंगर की हेल्प से इसमें थोड़ा सा होल करेंगे, और ध्यान से इसको कढ़ाई में रखना है, हाथ जले नहीं। इसी तरह से मैं वड़ा बना लूंगी।
फ्रेंड्स, डिनर तैयार हो गया है। सांभर दोपहर को जो मैंने बनाया था वही है, और वड़ा मैंने अभी बना लिया था। डिनर हमारा रेडी है, आ जाइए, आप भी कर लीजिए और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे साथ शेयर कीजिएगा कमेंट्स में कि कैसी बनी। फ्रेंड्स, अभी सभी का डिनर हो गया है, सभी ने डिनर कर लिया है। जैसा कि अभी मैंने आपके साथ शेयर किया था, मैंने बनाया था मेदू वड़ा, क्योंकि सांभर सुबह का रखा हुआ था तो मैंने सुबह ही डिसाइड कर लिया था कि मैं शाम को मैं मेदू वड़ा बना लूँगी डिनर में। तो अभी सभी ने डिनर कर लिया है तो मैं भी इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आता है, वीडियोस पसंद आती हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन को क्लिक करना ना भूलें, ताकि मैं जो भी वीडियोस आगे पोस्ट करूँगी अपने चैनल पर उसका नोटिफिकेशन आपको साथ के साथ मिल जाए। और जिन व्यूअर्स ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।